तो गाइस YouTube में बहुत सारे कमेंट आए कि इस गाड़ी का इंजन साउंड सुनना है, क्योंकि लोग बोलते हैं इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा इंजन साउंड आता है। तो आज हम टेस्ट करने वाले इसका इंजन साउंड और कैबिन नॉइज़ जो इसमें आती है, मतलब कितनी कैबिन नॉइज़ आती है। लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कैबिन नॉइज़ आती है और इंजन जो है इसका 1000 cc का बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो आज हम इसी सबको चेक करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारी क्विड RXT 1 लीटर ऑप्शनल मॉडल, और यहाँ पे थोड़ा क्रिकेट चल रहा है पीछे, इस कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होगा, तो आप थोड़ा उसको इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड साउंड को। तो हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और चेक करते हैं इसका इंजन साउंड की कितना है, पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके जो फेसलिफ्ट वेरियंट है उसमें, तो क्या साउंड आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम चेक करते हैं इसका इंजन साउंड। तो करते हैं गाड़ी स्टार्ट। तो जैसे कि इसमें यहाँ पे फॉर्म लगा दिया गया है, इसके कारण जो बाहर नॉइज़ है इसको लगाने के बाद वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसा कुछ इसका इंजन साउंड है, मैं आपको और माइक पास ले जाके सुनाता हूँ। इतना भी कोई लाउड नहीं है जैसा नॉर्मल हर गाड़ियों का आता है, 1000 cc की गाड़ी है तो इतना बहुत नॉइज़ तो होगा ही उसमें। तो ये था नॉइज़ कुछ हुड ओपन करके, अब मैं इसका हुड क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद आपको इसका साउंड सुना दो कि किस टाइप का गाड़ी साउंड देती है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने हुड को लगा दिया हूँ सामने, अब इसके बाद जो नॉइस आ रहा है ये गाड़ी का साउंड है। तो मैं आपको थोड़ा माइक निकल के और पास से सुनाता हूँ, इंजन के पास मैंने माइक रखा हूँ बिल्कुल, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना नॉइज़ इंजन मतलब अभी दे रहा है गाड़ी का। तो वैसे उतना मुझे तो नहीं लगा, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बाकी मैंने इतने टाइम चलाया हूँ, 2 से 3 महीने हो गया मेरे को, तो मुझे कोई ज़्यादा नॉइज़ ही तो नहीं लगा। मैं अभी बहुत ही जल्द ये जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है और इसका जो ओल्ड क्विड है उसका मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो कंपैरिजन वीडियो लाने वाला हूँ, उसका साउंड टेस्ट, उसमें क्या डिफरेंट था, इस गाड़ी में क्या डिफरेंट है, वो सभी चीज़ उसमें मैं क्लियर करूँगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे हम चल के देखते हैं कैबिन नॉइज़। अब हम चलते हैं गाड़ी के कैबिन के अंदर और देखते हैं फिर कितना नॉइस आता है गाड़ी पे। तो हम आ चुके हैं अभी गाड़ी के अंदर, तो आप देख सकते हैं नॉइज़ मैं आपको अभी रेस देके भी दिखाऊंगा। तो ऐसा कुछ साउंड है गाड़ी के अंदर, तो लगभग ना के बराबर ही साउंड आता है, एक बार आप ध्यान से सुनिए। एंड अगर मैं रेस देता हूँ तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा, तो मैं अगर अब रेस देता हूँ तो देखिएगा कैसा साउंड आता है गाड़ी का। इस वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ईयरफोन्स यूज़ करें, विदाउट ईयरफोन आपको साउंड समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर आपने ईयरफोन नहीं लगाया तो आप ईयरफोन लगा के सुने, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि गाड़ी का नॉइज़ कैसा है। तो गाइस ऐसा कुछ है गाड़ी का कैबिन नॉइज़, और जो बाहर हुड मैंने ओपन किया था नॉइज़ दिखा था, बट मैं अभी हूँ फिलहाल अकेला, मेरे साथ कोई फ्रेंड नहीं है जो मेरे साथ वीडियो शूट कर रहा है। तो मैं आपको बाहर आके तो इसका मतलब हुड खोल के तो मैं आपको रेस दे के नहीं सुना सकता, क्योंकि अकेले में वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे कुछ नॉइस है, आप वैसे इतने इसमें तो अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा कि कैसा कुछ नॉइस है।